यार भाई लोग देखो, अगर आपको भी कुछ पैसा चाहिए एंड आपने अभी तक कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करी, यानी कि आपके पास अभी फिलहाल कोई भी एग्जिस्टिंग लोन अकाउंट नहीं है एंड इसके कारण आपका जो लोन एप्लीकेशन वो हर बार रिजेक्ट हो जा रही है, तो मेरा जो फोन का स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो रही है, तो यार सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा एंड इस वीडियो पर मैं आपको दो एप्स बताऊंगा जिस पे जाकर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल बिल्कुल नया है एंड आपने अभी तक लोन नहीं लिया है तो डेफिनेटली इस दोनों एप्लीकेशन को जाकर ट्राई कर लेना, आपको डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो मैंने इस पे खुद जाके इन दोनों एप्लीकेशन पे अप्लाई करी है, मुझे कितने का अमाउंट मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही में आपको कैसे अप्लाई करो तो सारे डिटेल्स वीडियो पे रहेगा। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले एंड तक देखो अगर आपको सच में पैसे की रिक्वायर्ड है। तो देखो सबसे पहले तो मेरा जो फोन का स्क्रीन अभी आप लोगों से शो हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर बताने वाला हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, देखो अगर आप एक मतलब चलो आप लोग एक न्यू यूजर हो जो कि सिविल में, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है एम पॉकेट। जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है आपको 100% लोन प्रोवाइड करती है, चाहे 5000 रुपीज भी क्यों ना हो। देखो एम पॉकेट जो लोन एप्लीकेशन है यहाँ पर 5000 रुपीज से लेकर 45000 रुपीज तक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन है खास करके स्टूडेंट के लिए बनाया गया है एंड आप लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो तो भी आपको इस एप्लीकेशन पे लोन मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है यार, सिंपल सा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, सिंपल सा मोबाइल नंबर देकर साइन अप कर लेना, सिंपल सा अपना आधार नंबर और पैन नंबर डाल के इस पे अपना जो एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। देन अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे देन आपको यहाँ पर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का जो एक तो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना होगा एंड आपके सामने आपका जो क्रेडिट एलिजिबिलिटी वो आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, मेरा जो क्रेडिट एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हो 10000 की एलिजिबिलिटी है, जिनमें से मैंने जो पैसा जो है सारे के सारे मैंने विड्रॉल कर लिया। आप लोग देख सकते हो एक्टिविटी को मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया, जो मेरा एक्टिविटी जो मेरा लोन ऑलरेडी चल रहा है उन सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देख दिया। तो ये जो एक एप्लीकेशन है जो आपको अगर बताऊं तो एक पर्सनल लोन एप्लीकेशन नहीं है, एक क्रेडिट लाइन सिस्टम एप्लीकेशन है जहां पर अगर आप चाहते हो मान के चलो आपको 10000 की आपके ऊपर लिमिट दिया गया है एंड आपको सिर्फ 2000 रुपीज की लिमिट रिक्वायर्ड है, तो आप लोग सिर्फ 2000 रुपीज ही आप लोग इससे निकाल सकते हो एंड सिर्फ 2000 रुपीज का ही जो इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर देना होती है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो कैसे आपको अप्लाई करना है एम पॉकेट के अंदर तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अभी मैं बात करती हूँ दूसरे एप्लीकेशन की जहां पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जाती है, ठीक है ना। अगर 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 आप एक स्टूडेंट हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपके पास एक आधार कार्ड एंड आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए एंड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाती है। इस एप्लीकेशन में जो लोन प्रोवाइड किया जाती है वो 5000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक यहाँ पर प्लस पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करके अप्लाई कर लेना है। सिंपल सा इस एप्लीकेशन का नेम है ट्रू बैलेंस, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड इस एप्लीकेशन से भी मैंने जो लोन लिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन किया है बट ये जो एप्लीकेशन है ओपन नहीं हो रहा, तो जिस टाइम मैंने इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कितने का अप्रूवल आया था एंड मैंने किसने किस कैसे मैंने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले इसके लिए मैं गैलरी को ओपन करके आपको यहाँ पर सारे चीजें आपको ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गैलरी के अंदर एंड जो भी चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो चलो गैलरी को ओपन कर लेते हैं एंड जो भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पर जो अप्रूवल आया था आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो कि कंग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव, जो कि देख सकते हो 15000 रुपीज की। तो ये जो 15000 रुपीज मुझे मिला है किस तरीके से मैंने अप्लाई करी वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, इसके लिए मैं सिंपल से बैक कर लेता हूँ एंड मैंने जो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। तो ये जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर देके इसमें साइन अप कर लेना, साइन अप करते ही आपके सामने कुछ स्टेप का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है दो तरह का लोन प्रोवाइड करती है, एक है कैश लोन एंड दूसरा है लेवल अप लोन। अगर आपको हायर अमाउंट की रिक्वायर्ड है तो आप लोग कैश लोन अप्लाई कर लेना, बट अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट की रिक्वायर्ड है तो आप लोग लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर लेना। मैंने इसके लेवल अप के लिए अप्लाई किया था जहां पर मुझे 15000 मिला है। तो देखो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है सिंपल सा, अगर आपको लेवल अप लोन की रिक्वायर्ड है तो सिंपल सा आप लोग अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना लेवल अप पे, अगर आपको हायर अमाउंट चाहिए तो आप लोग कैश लोन पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सिंपल से स्टेप का एक पेज आ जाएगा जिससे आपको दिखा दिया जाएगा कि आप कितना रुपीज अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे पास देख सकते हो मैं जो 20000 रुपीज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने इस पे क्या किया था, मैंने इस पे 15000 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। देखो मैंने 15000 सिलेक्ट किया था एंड मैंने इसको अप्लाई नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया। आपको भी कुछ इस तरीके से आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है एंड सिंपल से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर कुछ बेसिक से डिटेल्स भरना होती है, जैसे कि आपका जो लोन पर्पज है क्या होने वाला है, यानी कि आप लोन लेकर क्या करने वाले हो, आपका मेरिटल स्टेटस क्या है, आपका एडुकेशनल लेवल क्या है, हाउसिंग टाइप क्या है, ऑक्यूपेशन। देखो हाउसिंग टाइप आपको हर बार आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन आप लोग सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको रेगुलर एम्प्लॉय चूज करना है, ठीक है ना। एंड जो भी सारी चीजें जो भी मैं आपको स्टार मार्क करके देना वालों इसको आप लोग सिंपल से एज इट इज सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे आप कर लोगे देन आपको यहाँ पर जो भी जॉब मिल जाती है जो कि देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने इस पहले दिया था, कंपनी का एक नेम दिया था मैंने इसमें,
देन पे डे आपको कितना क्या होने वाली है एंड आपका सैलरी कितना है, आप लोग अपने दोस्त से अप्लाई कर लेना। जैसे देखते मैंने 14,000 मैंने स्पेंड कर दिया, सॉरी मैंने इस पे 40,000 एंटर किया। तो आपको भी कुछ इस तरीके से अप्लाई करके यस कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपका जो लोन है अंडर रेगुलेशन पे चला जाएगा, यानी कि आपका जो लोन है अवेल भी किया जाएगा एंड आपके सामने और एक पेज आ जाएगा जिसपे आपको अपना जो सेल्फी है वो अपलोड करना होती है। ठीक है ना, सेल्फी को सिंपल से अपलोड कर देना कुछ इस तरीके से, कैप्चर नाउ के ऊपर क्लिक करके देन आपके सामने इन पे आ जाएगा आपका जो लोन है वो अप्रूवल पे चला गया है। थोड़ी देर वेट करना, आपके सामने आपका जो अप्रूवल है वो आ जाएगा। सिंपल से सीट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो ईएमआई का डिटेल्स आप लोग देख सकते हो एंड एक्सेप्ट दिस ऑफर के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो बैंक डिटेल्स वो आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको अपना जो बैंक डिटेल्स वो एंटर करना है, जिस भी बैंक खाते पे आप पैसा लेना चाहते हो। तो सिंपल से आप लोग अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद, आईसीबीआई कोड एंटर करने के बाद आपको सिंपल से रिसीव मनी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रिसीव मनी के ऊपर क्लिक करोगे फिर से आपके सामने कुछ स्टेप पे भेजा जाएगा जिसपे आपको बताया जाएगा कि आपका जो लोन है डिसबर्स हो चुका है एंड आपका जो पैसा आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट किया जा रहा है। तो सिंपल से वेट कर लेना, आपका जो पैसा है आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट हो जाएगा एंड क्रेडिट होने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप का पेज आ जाएगा जिसपे आप अपने जो ईएमआई के डिटेल्स आप लोग देख सकते हो एंड इससे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ओके, इस वीडियो पर मैंने आपको सारे चीजें बताया। फिर अगर आपका सिविल स्कोर बिल्कुल नया है एंड आप लोन के लिए जा रहे हो एंड आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों एप्लीकेशन को ट्राई कर लेना, आपको 100% कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा एंड जिसको देखे आप अपना सिविल स्कोर को भी इंप्रूव कर पाओगे एंड नेक्स्ट टाइम आप लोग हायर अमाउंट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो इन दोनों एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जाके अप्लाई करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अप्लाई करो और आपको कितने का लोन अमाउंट मिलती है जोर से कमेंट करके बताना, और तो ऐप मिलते जोर से बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।